तो ये ऐसा क्यों हो गया कि समाज में बुराई घनी फैल गई और बच्चे देखा देखी बुराई ग्रहण करते हैं, देखा देखी अच्छाई ग्रहण करते हैं। आप फिल्मों में देखते हो हीरो इतनी लंबी सिगरेट लगाकर नोक लगाकर फुर फुर करेगा, तो बच्चे उन्हीं को देखते ये एक्टिंग फिर वो करते। तो इस मीडिया ने, फिल्मों ने सबसे ज्यादा नाश करा हमारी इस जो है कल्चर का। इन्होंने असभ्य, हमें असभ्य बना दिया। और उन्हीं को देख देख के कोई कैसी ड्रेस पहनते हैं, कोई कैसी ड्रेस पहनते हैं, कोई ऐसी बकवास करते हैं। तो इस उस बुराई को तो काल ने पैदा करना ही था, क्योंकि भक्ति युग आ गया, सबको बर्बाद करना था, बुराइयों से ग्रस्त करना था, भक्ति से हीन करना था, नकली संत भेज के इनको कति अज्ञान से भरना था। लेकिन अब समर्थ के पास वो क्रेन है, तो कितना अड़ंगा डाल रखे और सारी न काट देगी और कति स्वच्छ कर देगा भगवान। अपने आत्माओं, जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम फल, वो फल हमें तब तक प्राप्त होता है जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद ये करोड़ों पाप तो हमारे वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। जो आप डेली करा करते हुक्का बीड़ी तम्बाकू शराब भांग पी के, और फिर सोच भी अच्छी नहीं रखते थे हमसे, कितने ऊपर थे ठीक दिखे थे, अब हमारी अंदर की सोच भी सुधर गई। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम सोचें भला हो किसी का, ना कर सकें तो बुरा तो सोचना ही नहीं। और भला कैसे सोचते हैं कि आप और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम किसी को इतना धन भी नहीं दे सकते कि उसने धनी बना दिया, क्यों अपना भी बहुत छोटा है, और घना हो तो भी ये काम नहीं हो सकता। रही बात जैसे एक सबसे बड़ा धन हम उसको ये दिला देते हैं, उसको ज्ञान समझाते हैं, उसके पास जाते हैं, सबसे आप नाम लेकर ज्ञान होने के बाद इस प्राणी की ऐसी चेष्टा होती है कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, कोई भाई है, बहन है, रिश्तेदार रिलेटिव है, सबको बताऊँ और ये ज्ञान समझाओ, इनका उद्धार कराऊँ। देख कितनी अच्छी सोच होगी। आप चर्चा करते हो किसी के पास जाकर, वो आपसे नाराज भी होता है, फिर भी कोशिश करते हो कि समझाऊँ, ये बालक है, इसको ज्ञान नहीं है, मैं भी ऐसा ही था, और प्रारंभ में एक बार ऐसा ही सबके साथ होता है। तो फिर आप उस, कितनी अच्छी सोच आपकी, इतना अनमोल काम कर रहे हो, उसका जीवन नाश होने से बचा रहे हो। और पहले ये सोच थी कि इसका नाश क्यों कर हो, यूं तो घना पैसे वाला हो गया, इस तरह की गंदी सोच या काल की थी। और इब दयाल ने जो हमारी सोच बदल दी, हम भला सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते, क्योंकि हम किसी का बुरा सोच कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो अपना कर्म प्राप्त होना है। और यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे या करना चाहेंगे, हम कर भी नहीं सकेंगे और पाप के भागी साथ हो जाएंगे। इसलिए हमें भी ये एक टॉर्च, एक रोशनी, एक प्रकाश भगवान के ज्ञान का, ये भी साथ है हमारे, तो ये हमें ये गलतियां नहीं करने देगा। हम कोशिश करते हैं भला हो, बुरा तो हमारे हमारे से डिक्शनरी से ही चला गया। तो फिर हम कितने पापों से बच गए। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते, तो हम अपना किया हुआ कर्म ही प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर की शरण में आने के बाद फिर हम पाप कर्म को नहीं भोगेंगे और केवल पुण्य पुण्य हमारे शेष रह जाएंगे। कैसे? जैसे पहले इस एक मेडिसिन की खोज नहीं हुई थी, एक दवाई की, जैसे खेत में खेती बीजता है, खेती बोता है किसान, उसमें खरपतवार भी बहुत उग जाता है, पहले उसका कोई विकल्प नहीं था, वो खरपतवार भी और फसल भी साथ ही पकाया करते थे उसके अंदर ही गेहूं में। और अब एक ऐसी मेडिसिन दवाई होगी है कि उसको उसमें डाल देते हैं खेती में, वो खरपतवार को फूंक देती है और फसल को हानि नहीं करती, वो खरपतवार खत्म हो गया, जल गया और फसल स्वस्थ होगी, न्यू की न्यू स्वस्थ है और ज़्यादा, क्योंकि पहले वो हानि कर रहा था खरपतवार, उस खुराक ले रहा था उसकी, वो बच गई, वो और मजबूत और बढ़िया उपजाऊ यानी घनी उपज बनी। इसी प्रकार पहले हमारे
इन सदग्रंथों में जो हम शिरोधार्य मानते थे, वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इनके अंदर वो मंत्र नहीं थे जिन तक पाप नाश हो सके। वो केवल अन्य लाभ अवश्य देते थे, उसमें पाप भी साथ फले थे खरपतवार की तरह। अब परमात्मा का वो सतनाम और सारनाम ऐसा है इन पापों को नाश कर देगा, पुण्य सुरक्षित आपके ज्यों के त्यों रह जाएंगे फसल की तरह। तो ये तरीका, ये डिस्कवरी आज हुई है इस दास के माध्यम से। परमात्मा ने तो पहले ही दे रखी थी लेकिन उसका पता नहीं था हमें। अब जैसे आज वैज्ञानिकों ने जो दवाई की खोज की है, ये तो मटेरियल ये पहले भी उपलब्ध थी लेकिन बना नहीं पाए थे, तो इसी प्रकार ये हमारे सदग्रंथों में, ये सभी सदग्रंथों में ये मंत्र उपलब्ध थे लेकिन कहीं कहीं रखे थे, तो उनको तो वैद्य ही या वैज्ञानिक ही बना सकता है। वो दवाई व औषधि इस दास ने तैयार कर दी, यानी खोज ली भगवान की बताई हुई, और इसको खाओ और अपना कल्याण कराओ, मोक्ष प्राप्त करो। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति कराया करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।